जय श्री कृष्ण, राधे राधे, वेलकम माय स्टूडेंट। देखो आज अपने डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्कल, हमें उस सर्कल की क्या फाइंड करनी है, रेडियस। देखो लिखा है एक बिंदु क्यू से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर था, क्यू की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या है। हमारे पास ये 4 ऑप्शन दे रखे, हमें उनमें से आंसर बताना है। तो देखो सबसे पहले अगर आपने यहाँ डायग्राम अगर अच्छे से बना लिया तो आपका सारा आंसर क्लियर हो जाएगा, लेकिन अगर आपने डायग्राम बनाने में वहाँ मेजरमेंट में आपने गलत लिख दिया, जहाँ 24 लिखना वहाँ 25 लिख दिया, तो आपका सारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। देखो अपना जो भी आंसर है डिपेंड करेगा इस डायग्राम पर कि यहाँ सेंटर पॉइंट लिखा हमने, वो यहाँ से एक पॉइंट है इधर, यहाँ से हमने एक टेंजेंट रोंगी। अब यहाँ अच्छे से समझना, कहाँ हमें पी लिखना है, कहाँ हमें क्यू पॉइंट लिखना है, कहाँ ये 25 सेंटीमीटर है, कहाँ ये 24 सेंटीमीटर है। अगर ये डायग्राम अच्छे से बन गया तो मैं गारंटी देता हूँ 99% तो आपका वहीं समझ आ गया, 1% अगर आप कैलकुलेशन में करो तो गलती हो सकती है, अदरवाइज सारा आंसर आपका राइट होगा। तो बस यहाँ अच्छे से समझ लेना। देखो लिखा है फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। क्यू की डिस्टेंस सेंटर से कितना है, 25 सेंटीमीटर। समझ आया ये, इस पॉइंट से समझ आया। देखो ये वाला अच्छे समझ लो, द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। सेंटर से यहाँ की ये रहा, देखो क्यू की केंद्र से दूरी कितना है, 25 सेंटीमीटर। देखो साथ में लिखा है द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर, ये जो हमने टेंजेंट रोक दिया उसकी लेंथ कितना है, 24 सेंटीमीटर। यहाँ लिखा है एक बिंदु क्यू से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, क्यू से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर। तो देखो हमारे पास गिवन ओपी इज परपेंडिकुलर पी क्यू लिखा है इधर, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री। एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू कितना है, देखो 90 डिग्री। जब राइट एंगल ट्राइंगल बन जाए, देखो समकोण त्रिभुज बन जाए, तो हमें क्या करना है, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम क्या अप्लाई करना, हमें पाइथागोरस थ्योरम या आपने बोल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय। देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, देखो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, 90 डिग्री के सामने वाला होता है हाइपोटेनस का, हाइपोटेनस ये जो 90 डिग्री बना वो होता है परपेंडिकुलर और ये होता है बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, बस वो समझ लो, इधर पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगी, देखो ओपी हाइपोटेनस का स्क्वायर पहले ओ क्यू का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर ओ पी का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, पी क्यू का होल स्क्वायर। लिखा हमने हाइपोटेनस कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो ओ क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू में ओ पी का होल स्क्वायर प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ हमारे पास डिस्टेंस है ओ क्यू कितना है, 25 का होल स्क्वायर, OP का होल स्क्वायर कितना है, देखो ये हमारे पास अननोन है रेडियस, ये रेडियस हमें फाइंड करनी है, ये त्रिज्या हमें फाइंड करना है। देखो PQ का होल स्क्वायर कितना है, 24 का होल स्क्वायर लिखा हमने। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर, मैंने आपको रूल भी बताया 25 की मल्टीप्लाई किससे करना है, 25 से, तो 5 से कितना हुआ, 25 2 की नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कितना हुआ, 625, ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। अब आपको करना है 24 का होल स्क्वायर, तो देखो 24 का होल स्क्वायर करना है, सबसे पहले किसका स्क्वायर करो, 4 4 जा 16, लास्ट वाले का स्क्वायर किया 4 4 जा 16, अब इन तीनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 जा 8, 8 2 जा 16 और एक यहां से जो 16 आया था उसका 1 किया, 16 प्लस 1 17, और फिर कितना रह गया अपने पास 1, अब ये 2 का होल स्क्वायर कितना होता है, 4 4 प्लस 1 5,
डायरेक्ट स्क्वायर निकालो, मल्टीप्लाई मत करो, जितना जल्दी हो सके अपने आप कैलकुलेशन करने करो कि सेकंडों में अपने ट्रिकों से को सवाल कर सकें। अब देखो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6, 25 माइनस 576, 15 में से 6 माइनस किया कितना हुआ 9, 11 में से 7 माइनस किया कितना हुआ 4, और 5 में से 5 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 0, तो आर स्क्वायर कितना आ गया 49, तो आर की वैल्यू कितना हो जाएगा रूट 49। हमें पता है रूट 49 क्या होता है, 7 7 जा, तो यहाँ से एक पेयर अपने बाहर निकालेंगे, क्या आ जाएगा एक पेयर बाहर, तो कितना आएगा 7 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन लिखा था कि हमारे पास क्यू से लेंथ ऑफ टेंजेंट गिवन था, डिस्टेंस हमें गिवन था सेंटर से क्यू पॉइंट का 25, हमें फाइंड करनी थी रेडियस। तो देखो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना, 90 डिग्री एंगल का मतलब बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, कर्ण का होल स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो 25 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हुआ आर स्क्वायर प्लस 24 का होल स्क्वायर, यहाँ 625, यहाँ 576, इसको यहाँ भेजा कितना आ गया माइनस में, ये जब इधर आएगा माइनस तो माइनस करने पर कितना आया 49, आर स्क्वायर की वैल्यू कितना है 49, तो आर की वैल्यू रूट में कितना हो जाएगा 49 का 7 मल्टीप्लाई 7, तो यहाँ से एक पेयर अपने बाहर ले लेंगे कितना आ जाएगा 7, तो रेडियस कितना हुआ 7 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन में देखो कहाँ लिखा है 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। तो स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।